लग गए लोड़े। इसे कहते हैं किस्मत के लोड़े लगना। तो हमारे भाई चैन टूट चुकी है, हो गया कांड, तो अब इसको सही करवाते हैं। कोई टूट कैसे गई, और बाइक में से ओवरऑल बहुत हीट निकल रही है, तो रुकते थोड़ी देर, देखते हैं क्या सीन होगा। मैं भी शायद कल पंकज भैया ने बोला था इसका चैन ढीला हो गया है, और मुझे उसी समय से टाइट करवा लेनी चाहिए थी, तो करते हैं थोड़ी देर में। सबसे बड़ी बात जो मैं काम करवा रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये काम कर रहे हैं, जो इनके ऑनर है हमारा, उनके देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसका भाई चैन को चैन क्लीन करवा दूँगा, देखते मेरे के लिए जुगाड़ लगाते हैं, बाकी देखते क्या करना है। बाइक का चैन लॉक नहीं मिलता आसानी से, मतलब कि कोई भी पार्ट लेने जाओ वो आसानी से नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। घर से मिला है मैंने खाना खाते हुए, बाकी जो भी होता है देखते हैं, पेमेंट वगैरह कर देते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। 2 seconds later. ऑफिस के लिए भी आज लेट हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो और भाई फटाफट हमें पहुँचना ऑफिस, और जैसा कि मैंने बोला आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज शायद तक हमारे ऑफिस से भाई जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी, मतलब कि हाफ डे हो सकता है, बाकी देखते भाई अब क्या सीन होगा आगे का, और मैं एक दो दिन में चेंज करवा दूँगा। भैया ने मेरे को बोला कि भाई आप जल्दी इसका चेंज करवा देना, क्योंकि आपका ओरिजिनल लॉक ही आपके लिए बेटर रहेगा, मैं बोला ठीक है भाई, वैसे तो भाई अभी ठीक हो चुकी है बस, अरे ये लो आ जाओ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ भाई सानगर पुलिया के पास से, यहाँ पे भाई मैं डेली का रोजाना आना जाना रहता है, और रिक्शा वगैरह भी हम डाल चुके हैं हमारे दोस्त के साथ में, अभी हमें ऑफिस पहुँचना है फटाफट से। और आपके भाई के साथ हो चुका है कल ये खतरनाक सा कांड, जिसमें आपके भाई की बाइक जाके ठुक चुकी है कार के साथ में, और वो कार एक्सीडेंट भाई थोड़ा ख़राब ही था, ऑलमोस्ट भाई सेफ है, कुछ नुकसान वगैरह नहीं हुआ, बस जो है बाइक का आगे का मरगार्ड है वो टूट गया था,
जो कि मैंने कल हाथों हाथ ला के मनीष भाई के साथ में डाल दिया था, और उसका ब्लॉग वगैरह भी मैं साथ इसमें बता दूंगा आपको। नया मिलते ही मेरे को जैसे भाई बहुत खुशी हुई, एक बात तो है। और ये जो कि हम नए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और ये चेक करो, टॉइंग टॉइंग लो, देख रहा देख रहा देख लो देख लो रिएक्शन। तो अभी निकलना भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वरना रिएक्शन वगैरह जरूर शूट करते भाई। थार क्या ही लगती है भाई, कसम से। सड़कों के बीच में ये बड़े बड़े पत्थर है, इंसिडेंट का कारण बन जाता है, और ये पत्थर बड़े ख़राब होते हैं भाई, एक्सीडेंट वगैरह का चांस बहुत होता है इन सड़कों पे। तो पहले तो भाई अभी हमें निकलना है, वरना मैं ज़रूर उनको हटाने का ट्राई करता। बाकी भाई हो सके जितना भाई सेफ राइड करना, और भाई मैं तो यही बात बोलूँगा, जब भी राइड वगैरह करो खुद के इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप भाई राइड एकदम प्रॉपर कर सकते हो, खुद का बाइक के ऊपर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, और राइड करने में कोई दिक्कत ना आए, ना आपको परेशानी हो ना आगे वाले को। बाकी तो मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपका बाइक है, आप किसी भी तरह से चलाओ, बस थोड़ा सेफ राइड किया करो, जो कि भाई हम भी कभी कभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम जो भी करते हैं भाई पूरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं, कोई ऐसा राइड नहीं है जिसमें हमारा भाई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं भाई बाइक बहुत टाइम से चला रहा हूँ, मुझे भी मालूम है आप भी बाइक बहुत टाइम से चला रहे होंगे, पर बाइक पे जो कंट्रोल होता है ऐसे, जैसे भाई स्पोर्ट बाइक ले लेना, फिर उस पर कंट्रोल हटाना, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली बॉय के लिए स्पोर्ट बाइक बहुत बड़ी बात होती है, और उसको भाई पूरा कंट्रोल वगैरह बैठाना, उनके खर्चे, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तो आप ट्राई करो भाई हमेशा सेफ राइड करने की, और जैसा कि मेरे को बताया आपने कि जिस जिसको ब्लॉग बढ़िया लगता है तो उन भाई पर कमेंट भी आते हैं मेरे पास, और इस बार भाई जो भी भाई अच्छा कमेंट करेगा उसका वीडियो में मैं मेंशन करूँगा कमेंट। और ऐसी बात नहीं है, मैं सबके कमेंट देखता हूँ, आपको लगता है भाई हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते, भाई सबका जवाब देता हूँ, बस थोड़ा टाइम मिलते मैं आपका वीडियो के कमेंट जरूर देखता हूँ। मेरे को मालूम है कि मेरे को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आपको भी पता है, इसलिए आप मेरा वीडियो देखते हो और उस पर कमेंट कर दो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप सबका। बाकी हम निकलते हैं भाई ऑफिस के लिए, और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। 20 minutes later. बाकी आपके भाई का जो एक्सीडेंट हुआ है भाई यही हुआ है इसी गली के अंदर, और मैं वो जगह भी बता दूंगा आपको कि जो एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ हुआ था और किससे हुआ था। यही वो सिचुएशन है, मैं कल एक टैक्सी के पीछे चल रहा था, वो टैक्सी वाला भी सही चल रहा था, लेकिन उस टैक्सी वाले ने एकदम से भाई पूरा बाइक इधर मोड़ दिया इस साइड में, तो जिससे भाई काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। और वो टैक्सी वाला जैसे इधर लिया तो मैंने भाई टैक्सी को बचाने के चक्कर में, यहाँ एक कल कार खड़ी थी उस कार के अंदर जाके ठुकी थी मेरी गाड़ी। और मैं भाई किस समय बताऊँ, मैं इस गली से हमेशा आराम से 50-60 की स्पीड से निकलता हूँ, बट मेरे साथ में कल मेरे साथ कोई बैठा था तो मैं आराम से ही चला रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो काफ़ी तकलीफ हुई ये चीज़। बाकी अब जो हुआ वो हो गया, इसलिए मैंने भाई अपनी बाइक का आगे वाला मरघाट टूट गया था, मैंने कल के कल बाइक का मरघाट अरेंज किया, हाथों हाथ गया मनीष भाई के साथ जाके मरघाट लेके आया था। तो मतलब कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था वो भाई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं हमेशा बाइक धीरे चला रहा था, कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। तो भाई लोग अभी अपन पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस वाले डेस्टिनेशन पर, और यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, बाकी आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई टिल देन सेफ राइड सेफ हार्ड एंड गुड बाय गाइस, पीस आउट बॉयज़।